नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ मार्क कौशिक। मुंगेर का दृश्य मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, किस तरीके से छठ महापर्व को लेकर के श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा घाटों पर उमड़ने लगी है। मुंगेर के कष्टहारी घाट सहित तमाम गंगा घाटों पर श्रद्धालु जो है गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। कल पूरे देश में ग्रहण लगा हुआ था, उसके बाद से श्रद्धालुओं की भीड़ जो है गंगा घाटों पर डुबकी लगाने के लिए बढ़ती जा रही है। हजारों हजार की संख्या में मुंगेर के कष्टहारी घाट सहित तमाम गंगा तटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख सकते हैं। ये दृश्य जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं ये मुंगेर की है। तो देखा आपने मुंगेर के तमाम गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ छठ महापर्व को लेकर के किस तरीके से उमड़ रही है। पिछले दिनों ग्रहण जो लगा हुआ था, सूर्य ग्रहण लगा हुआ था, उसके बाद से ही गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है और लोग गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां से कलश में जल भर करके अपने घर भी ले जा रहे हैं। ये तो 21 साल के बाद ऐसा सूर्य ग्रहण आया है कि संध्या में 4:24 से पूरे भारत वर्ष में 6:32 तक इसका जो है ग्रहण का प्रभाव था। इसके 12 घंटे के बाद जो है गंगा स्नान करने का भी प्रावधान है। आज सभी गंगा घाट पे आज जो है भीड़ उमड़ पड़ी है। जगह जगह से लोग, ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से लोग गंगा स्नान करने के लिए आए हैं। क्या महत्व है इसका? इसका महत्व है कि ग्रहण के बाद क्या होता है, गंगा स्नान करने के बाद उसका 108 अश्वमेध यज्ञ के बराबर उसका फल मिलता है और स्नान करने के बाद दान पुण्य भी किया जाता है। दान पुण्य करने का भी प्रावधान। तो अब तक के लिए बस यही तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। आपने देशवा न्यूज को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।